उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे, आतंकवादी कहीं भी विस्फोट कर देते थे। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि कहीं पटाखा भी तेज आवाज से फूटता है तो पाकिस्तान पहले ही सफाई दे देता है कि हमारा हाथ नहीं है। उसे मालूम है कि ये नया भारत है, कहीं गलती से भी पाकिस्तान का नाम आया तो भारत की सेना घुसकर मारेगी और फिर पाकिस्तान को जवाब देते नहीं बनेगा। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है, एक ऐसा भारत जिसका विश्व में सम्मान बढ़ा है। आज के भारत की सीमाएं सुरक्षित है, आज का भारत आतंकवाद और नक्सलवाद के सामने घुटने नहीं टेकता। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है, एक ऐसा भारत जिसका विश्व में सम्मान बढ़ा है। सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में ये विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा।